गगरेट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव हेतु केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ही दिन में 5 नुक्कड़ सभाएं करके जहां कांग्रेस को आईना दिखाया, वही चुनावी माहौल को भाजपा के पक्ष में करने के लिए कोई कसर न बाकी छोड़ी। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तीनों जिला परिषद वार्डों के अंतर्गत जाडला क्योड़ी, दियोली, चलेट अंदौरा एवं हरवाल में आयोजित नुक्कड़ सभाओं में उमड़ी भीड़ से अनुराग ठाकुर के साथ साथ चैतन्य शर्मा भी गदगद दिखे और उन्होंने कांग्रेस पर खूब हमला बोला। चैतन्य शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय के पास न तो विजन है और न ही कोई उपलब्धि जिसे वो जनसभा में गिना पाते। इसी वजह से मुख्यमंत्री महोदय चैतन्य शर्मा के नाम की ही माला जपते रहे, जैसा ही उन्हें दिन रात चैतन्य शर्मा के ही सपने ही आते हों। उन्होंने कहा कि भला होता मुख्यमंत्री महोदय संघने के डे बोर्डिंग स्कूल के लिए एक भी ईंट न लगा पाने, दौलतपुर चौक अस्पताल का दर्जा घटाने, गगरेट अस्पताल सहित अन्य निर्माण कार्य लटकाने और भाजपा कार्यकाल में खुले कार्यालयों पर ताला लटकाने के लिए गगरेट की जनता से माफी मांगते तो शायद उनके कहने से कांग्रेस को कुछ वोट पड़ जाते, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, जिससे गगरेट की जनता में आक्रोश है और उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट करने का मन बना लिया है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने अब शिमला में मकान बना लिया है तो क्या सुक्खू सरकार से उन्हें 1500 रुपए मिले या उन्हें भी प्रदेश की अन्य महिलाओं की तरह धोखा मिला है। वहीं भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने मंगलवार को गगरेट से कलोह तक पदयात्रा करके चुनावी हवा को अपने पक्ष में पलटने की कोई कसर बाकी न छोड़ी। इस दौरान हाथ में भाजपा के झंडे बटा बैनर पकड़े भाजपा महिला नेत्रियों ने नाचते गाते चैतन्य शर्मा के लिए प्रचार किया। वहीं भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर अपना जोश दिखाया। उधर चैतन्य शर्मा ने दुकान दुकान जाकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अगुवाई में सहजता के साथ वोट मांगे। चैतन्य शर्मा का जोशीला प्रचार अभियान सभी को पसंद आया। चैतन्य शर्मा ने कहा कि जनता ने अब मन बना लिया है और 1 जून को जनता दोनों ईवीएम मशीनों पर कमल के फूल का बटन 2 बार दबाकर प्रदेश एवं केंद्र में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। आज हमारे हरवाल के इस मंदिर के प्रांगण में उपस्थित मेरे सारे प्रिय माताएं बहने, मेरे सारे बड़े बुजुर्ग एवं युवा साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, हमारा सम्मानित मंच, आप सभी का आज यहां पर आने के लिए, अपने प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को सुनने के लिए आने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो पहली जून की तिथि है, ये आप सिर्फ 4 दिन सबसे दूर है और ये जो चुनाव है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, जहां आप सभी पहली जून को सिर्फ अपने लोकसभा के प्रत्याशी के पक्ष में और श्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करने वाले थे। इस बारी का ये जो चुनाव है ये डबल चुनाव बन चुका है। इस बारी का ये जो चुनाव का परिणाम है ये हमारे प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार को विकसित करने का चुनाव बन चुका है। तो सड़कें भी वहां बन गई है जहां अभी तक मनुष्य नहीं पहुंचे हैं। और जब हम बात करते हैं श्री हरवाल सिंह ठाकुर जी की, पिछले 4 लगातार टर्म से वो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। 5वीं बारी इस बारी वो आपसे आप सभी का आशीर्वाद लेके लोकसभा में जाने वाले हैं। हमारे बीच में पहुंच भी गए हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी एक बार जोर शोर के साथ उनका स्वागत करें और उनका आपके यहां आने के लिए भगवत माता की हमारे बीच हमारे दिलों की धड़कन, हमीरपुर पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पूरे देश में नौजवान नेता जाने वाले
और जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, इनका आज डिबेट भी था टीचर और आज हरवाल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है कांग्रेस सरकार हमारे जी भाजपा के प्रत्याशी के रूप में आए नौजवान नेता चंद्रदेव शर्मा जी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे जी चंद्र जी जो लगातार प्रवास कर रहे हैं, उत्तराखंड की धरती से आया, देवी देवताओं की भूमि से आया, इनका भी यहाँ लगातार प्रवास में इन्होंने लगातार में और अर्पण किया है, इनका भी हार्दिक अभिनंदन सदा स्वागत है। कर्नल जोगिंदर सिंह जी जो हमारे एक्स सर्विसमैन विंग के अध्यक्ष हैं, इनका भी अभिनंदन धन्यवाद। मेरा पूरा मंडल राजू जी, धोनी जी और युवा मोर्चा के संदीप झा जी, उनकी पूरी टीम और मेरी मातृ शक्ति, मेरे बुजुर्गो, मेरी पार्टी के जितने भी आए हुए सबका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि राज जी काफी लेट कर रहे हैं और मेरा भी गला खराब था, परंतु मैं आपको एक वादा याद दिलाना चाहता हूं। मैंने आपसे वादा किया था, क्योंकि मैंने 5 वर्ष आपका कोई काम नहीं छोड़ा जो आप काम करते थे, आप जो कहते थे वही धरती पर उतर जाता था। अगर हमने काम किए हैं तो हमारे काम के बदले में हमने आज आपसे वोट मांगने आया हूं, वो वोट मांगा था, वो मांगा था अनुराग ठाकुर जी कितनी वोटों से जीतेंगे। मैंने ये वादा किया था कि अनुराग जी को आपको कितनी बार पार करना है, अब की बार फिर से जब 3 बार भूल गया। मैंने एक ही वादा किया था अनुराग जी को, इस बार कांग्रेस में 30,000 पार करना है, तो अब की बार लगता है भूलते जा रहे हम। मेरा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और हमारे बीच अनुराग चैतन्य शर्मा जी जो नौजवान नेता है, लगातार नौजवान पारी खेलने वाले हैं, जो काम भाजपा ने किए हैं उसके बदले में चैतन्य शर्मा जी को भी 1,000 मतों से जता कर भेजना, ये आप सबका कर्तव्य है, यही मान्य मानता है। क्योंकि लगातार अनुराग जी ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। अनुराग जी ने वो कर दिया जो कांग्रेस में कभी होना ही नहीं था। वोट का प्रमाण आज कांग्रेस के अंदर खुलता है। किसानों के लिए कितनी बड़ी ये भूमिका है कि आज गन्ना मक्की सब यहां निकलेगा। ट्रेनों की बात करूं तो जौनपुर के अंदर से कितनी ट्रेनें चल पड़ी, मथुरा वृंदावन हरिद्वार और कई कई दिल्ली पूरे हिन्दुस्तान से जुड़ने का काम अनुराग ठाकुर जी ने किया है। यह सड़क मुबारकपुर से लेकर जौनपुर तक कैसी होती थी, जहां तक करना जल्दी आप अपना 5 साल पहले आपसे वोट मांगने आया। अनुराग ठाकुर जी ने इस सड़क को 5 मिनट का समझा दिया, जिससे आपका एक घंटा लगता है। अनुराग ठाकुर जी जल्दी ही आपका स्कूल भी बंगाल में खोलने वाले हैं। अनुराग ठाकुर जी ने द्वारी चरूड़ पुल बना दिया, ठाकुर जी ने रास्ते पक्के कर दिए और आज मोदी जी की सरकार बनानी है, भगवान राम जी का मंदिर बना, 370 धारा टूटिया, 30,000 तो बहुत कम है, इस बार कर देना, यही मेरा वादा है आपसे, 30,000 पार कर देना, यही मांगने आया हूँ। माननीय अनुराग ठाकुर चैतन्य शर्मा जी को कमल का बटन दबाकर काम जाम करिए, धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।